मतलब आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एबीएन टीएफएन पे हम कितना काम कर सकते हैं, और डोरडैश उबर ईट्स में हर ऑनलाइन के कितने भी घंटे आपको वो सारा रिकॉर्ड जाता है उनके पास। कल के दिन कोई भी बात आ जाए, कोई भी रिस्क आ जाए, आपको जाना पड़ सकता है और 15-20 लाख लगा के आप आ रहे हो, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा रिस्क लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है होने वाला है ना, और जो भी गाइस चैनल पे नए हैं जाके अभी जाके सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि आपके भाई ने एक साल भी पूरा कर लिया आप लोगों के सपोर्ट से, है ना। बहुत अच्छा एक साल रहा और ऐसे ही अपने ग्रो करते रहेंगे, तो कुछ नहीं आपका टाइम वेस्ट ना है, एक मिनट में जाके जल्दी जाके पहले सब्सक्राइब करो। तो गाइस आज की जो वीडियो के ऊपर बात होने वाली है, मतलब आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एबीएन टीएफएन पे हम कितना काम कर सकते हैं। चाहे भाई एबीएन हो टीएफएन हो, मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि एबीएन पे आर काउंट नहीं होते, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे पे, उसमें आर नहीं दिख रहे तो कितना भी काम कर लो, बट भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एटीओ के पास सारी जानकारी है, एक दो बार आप ले लो तो एटीओ बल्ले से नज़रअंदाज कर दे, एक दो बार पे अगर आ गई है ज़्यादा, है ना, और अगर कंसिस्टेंटली ज़्यादा पे आ रही है और आप काम करे जा रहे हो 50-50 घंटे, तो भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और डोरडैश उबर ईट्स में हर ऑनलाइन के कितने भी घंटे आपको वो सारा रिकॉर्ड जाता है उनके पास, तो वो भी आप 24 घंटे से ज़्यादा करके फिर किसी और पे, किसी और काम से भी एबीएन पे ले रहे हो, ऊपर से भी एबीएन पे ले रहे हो, तो फिर आप 100% फंसने वाले हो, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। आप सोच रहे हो आज पैसा कमा लें और बस आज की सोच रहे हो, कल आपको यहाँ पे बी आर टी आर का आपका गोल नहीं है, तो आप जितना चाहे जो करना है करो, काम करो, जितना पैसा कमाना है, इंडिया बैंक जाना है तो कितना भी करो, बट अगर आपको यहाँ पे करियर बनाना है, सेटल करना है, कल के दिन अच्छी जॉब करनी है, फैमिली यहाँ बुला रहा है, तो आपको भाई फोकस होके काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 के वैसे 20 लीगली नहीं है, बट मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 20 के पे रेट पे आप काम कर रहे हो 50 घंटे, है ना, $1,000 आप बना रहे हो, और आपको 50 के पे रेट से 20 घंटे की पे दिखा के दे दे रहा है एबीएन पे, तो कल के दिन वो कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं फंसेगा, ठीक है, फंसोगे आप, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत गलत है, लोग सोचते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग ये सब, है ना, एबीएन पे काम कर लें तो फंसेंगे नहीं, बट भाई फंसोगे आप, 100% फंसोगे। एटीओ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत सिस्टमेटिक है, यहाँ इंडिया वाला जुगाड़ मत सोचना, आज नहीं तो कल सबके चिट्ठे खुलेंगे, ठीक है, और जब खुलेंगे तो आप परेशान हो जाओगे कि यार उस टाइम मैं ये कर लेता, उस टाइम वो कर लेता, तो बिल्कुल गलती ऐसी मत करो, ठीक है, क्योंकि करियर का सवाल है, एक दो साल से करियर नहीं होता, यहाँ पे निकालने आपको अच्छे 10-20 साल, फिर आपको लाइफ ही यहाँ निकालनी है। अगर आपका गोल है, आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, इंडिया में नहीं रहना, तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं यही कहूँगा, है ना, फोकस से अपना टारगेट बनाओ, है ना, मेहनत करो, तो भाई एबीएन कहीं भी 24 घंटे काम करो, ठीक है। बाकी कोर्स चेंज के रिलेटेड भी चीज़ें चल रही हैं, अब कोर्स देखो गवर्नमेंट, हम लोगों की गलतियों की वजह से चेंजेस करवाने की वजह से अब एक और चीज़ होगी है कि हम कोर्स नहीं चेंज कर सकते अब 6 महीने 1 साल तक। पहले 6 महीने तक तो वैसे पहले का भी रूल था, बट अभी लोग आके नया वीज़ा डाल दे रहे थे, पर को आप शायद नया वीज़ा डाल सकते हो, बट आप कोर्स चेंज मत करना और डाउनग्रेड बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें आपका रिस्क है डिपोर्टेशन का। कल के दिन कोई भी बात आ जाए, कोई भी रिस्क आ जाए, आपको जाना पड़ सकता है और 15-20 लाख लगा के आप आ रहे हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा रिस्क लो, आपकी फैमिली रिस्क ले, क्योंकि सब कुछ यार दाव पे लगा के आते हैं, मैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली, तो हर बच्चे के लिए फीलिंग्स है दिल से, ठीक है, आप समझो इस चीज़ को। कोई भी काम ऐसा मत करना, किसी अच्छे एजेंट की गाइडेंस लेना, ठीक है, आप मेरी बात पे पूरा ट्रस्ट करो और एक अच्छे एजेंट के पास जाओ, मैं कहूँगा एजेंट आप ही ना वर्चुअल चीज़ें मत सुना करो, ठीक है, वर्चुअल चीज़ें, किसी ने ये बोल दिया, आसपास वाले लोग बहुत ज्ञान देते हैं, तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दो, प्रॉपर गाइडेंस एक एजेंट से लो, तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। कोर्स चेंज से रिलेटेड जो भी आपको कोर्स लेना है, कौन सी आपकी स्ट्रीम है, कौन सा बैग है, वो एक प्रोफेशनल एजेंट ही आपको बता सकता है कि कौन सी फील्ड में आपको क्या करना है, कल के दिन आपके लिए क्या चीज़ बढ़िया रहेगी, है ना, कितना वर्किंग राइट्स में कितना काम करना कितना सही है, वो तो आपको 24 घंटे करना ही है, पर 48 करना ही है जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा पे, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, चल दें, हरे कृष्णा।